वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट टाइम हमने देखा था आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं कोरोना काल में आप सभी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इंग्लिश का वीडियो कुछ दिनों के बाद लेके आया हूँ। पीछे हमने कंप्लीट द डायलॉग्स के बारे में हमने पढ़ाया होगा आपको, कंप्लीट द डायलॉग्स के विषय में हम पढ़ा रहे थे आपको, और फिर रिस्पोंड द सेंटेंस ये भी था। रिस्पोंड 11-12 वालों के लिए रिस्पोंड द सेंटेंस था और 9 और 10 वालों के लिए कंप्लीट द डायलॉग्स था, है ना। ये हम तो आपको ठीक है इसके विषय में हम देख रहे थे। तो आज आप नए वीडियो में देखेंगे उसके बाद का टॉपिक। इसमें दो वीडियो और है, दो लेक्चर और है, उसको बाकी था उसको थोड़ा खत्म कर लेते हैं हम। अभी वीडियो में क्या लेक्चर बचा है, डिस्क्राइबिंग एंड स्पेसिफाई टाइम एंड लोकेशन। टाइम और लोकेशन के विषय में आपको बोलेगा। टाइम मतलब समय होता है और लोकेशन मतलब जगह होता है। इसमें क्या आपको प्रीपोजिशन बहुत सारे वर्ड लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, इन होता है, एट, इन टू, बिटवीन इन मतलब में, एट मतलब इन टू मतलब भी में होता है, बिटवीन मैंने बीच में, बिसाइड मतलब बाजू में, टुवार्ड मतलब सामने की ओर, फ्रॉम मतलब से, नियर मतलब पास में, इन फ्रंट ऑफ मतलब के बाजू में, फ्रॉम है ना, टू बिहाइंड, सिंस, फॉर, इन सभी चीज़ों का हम प्रीपोजिशन का जनरली यूज किया जाता है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, डिस्क्राइबिंग टाइम और इसके अंदर हम क्या देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहला आपको आता है लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग या स्पेसिफाइंग टाइम एंड लोकेशन। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो, है ना। तो आई स्टडी, अभी यहाँ क्या बोल रहे हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो टाइम कब पढ़ते होते तो टाइम होता, लेकिन कहाँ पढ़ते हो तो क्या हो आपको, लोकेशन है। अरे बात सुनो, क्या है आपको, लोकेशन का यूज करना आपको दिया गया, ठीक है। तो वेयर, अब क्या बोलोगे, आई डू नॉट स्टडी, आपसे वो प्रश्न पूछता है वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो। ताकि आई स्टडी, आप बोलोगे आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ऐसा जवाब पूछे तो जगह का नाम बताओगे, आई स्टडी एट, कहाँ पढ़ते हो भाई, क्या जवाब दोगे, ज्ञान मंजरी, भावनगर, आई नाइदर रीड नॉर स्टडी लेसन, आई वुड स्टडी। तो क्या होगा, तो जगह का नाम, तो जगह क्या है, ये ज्ञान मंजरी भावनगर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि आई स्टडी एट क्या जी, ज्ञान मंजरी भावनगर। जगह के बारे में करते, वेन विल यू रिटर्न माई डिक्शनरी, तुम मेरा डिक्शनरी कब, वेन मैंने कब, यू रिटर्न, रिटर्न में लौटाना, माई डिक्शनरी, तुम मेरी डिक्शनरी कब लौटाओगे। तो कब पूछ रहा है, तो कब कहाँ पूछता तो क्या होता है आपको, लोकेशन हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कब लौटाओगे, तो क्या है आपको, टाइम है आपको। तो क्या होगा जी, आप कब लौटाओगे, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न इट, मैंने तुम्हें पहले से लौटा दिया है, ये तो जवाब नहीं हुआ। फिर एनी बुक इज नॉट बोरोड बाय मी, कोई किताब मैं नहीं तुमसे लिया हूँ, ये भी जवाब नहीं हुआ। आई एम नॉट रिटर्न इट, मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा, ये भी नहीं हुआ। आई विल रिटर्न इट एट 6 o'clock, मैं इसे कितने बजे लौटाऊंगा, आपको 6 बजे लौटाऊंगा। तो ये समय हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर है मौली कराज, वी हैव नॉट ईटन पिज्जा फॉर लॉन्ग आई थिंक, कराज आई हैव नॉट ईटन पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं खाया फॉर लॉन्ग, काफी लंबे समय, आई थिंक मैं सोचता हूँ। यस लेट लास्ट वी, तो क्या आपको जनरली हो जाएगा जी, खाया कि नहीं खाया। यस लेट वी, कितने कब खाया जी, कब खाया था आपने, तो ऑन, मैंने बोल रहा है मैं बहुत लंबे दिनों से, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत लंबे दिनों से मैं पिज्जा नहीं खाया हूँ। तो यस आई लास्ट वी, मैं लास्ट में कब खाया था जी, तो समय, तो यहाँ क्या हुआ, 5 मार्च 2017, ऐसा करेंगे हम, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज है उसे आपको करना है, 16 नंबर। आगे देखते हैं, फिर हम इसमें भी कुछ ये भी करना है आपको, ठीक है। फिर कर रहा है नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग पर्सन किसी पर्सन के बारे में बताना है आपको। तब उसके विषय में क्या होगा, ए मैन इज ब्लू कोट, है ना, वो आदमी गोरा है, वो आदमी काला है, वो लाल शर्ट पहना है, वो काला शर्ट पहना है ना। तो किसी खास पर्सन के विषय में डिस्क्राइब हुआ कि नहीं हुआ, तो ए मैन इज ब्लू कोट, लेडी विथ ए चाइल्ड, बच्चे के साथ जो औरत है, बॉय वियरिंग ग्रीन शर्ट,
जो हरा शर्ट पहन रहा है वो है साउट यंग मैन, करा हाउ वी आर अ स्ट्रेंजर, कर हाउ सॉरी गलत पढ़ दिया मैं, हाउ वाज द स्ट्रेंजर, वो अजनबी, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी होता है, वो अजनबी कैसा है, तो कह रूपा जवाब देगी, क्या जवाब देगी, सॉरी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, उस पर्सन के बारे में बताना है तो बताओगे ना कैसा है वो, इतने बताओगे मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुमसे पूछूं तुम कैसा शर्ट पहन के आया हो, तुम्हें पहन के नहीं आया हूँ, ऐसा बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे मैं लाल शर्ट पहन के आया हूँ, मैं पीला शर्ट पहन के आया हूँ, ऐसा जवाब दोगे आप, तो सॉरी ये तो जवाब हो नहीं सकता, ही वाज ए साउट मैन विद स्केयर ऑन हिज फेस, ठीक है, हाउ कैन आई से दैट, कैसे कह सकते हैं नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो ही वाज स्टाउट मैन विथ ए स्केयर ऑन हिज फेस, है ना, इसके विषय में बता रहा है, उसके विषय में बता दोगे भाई, फिर है जी आई हैव नॉट सीन मिस्टर बक्सी, हाउ डज ही लुक्स, वो कैसे दिखता है जी, तो पढ़ो आई हैव ऑल्सो नॉट मीट हिज रिसेंटली, मैं नहीं मिला, आई रिमेम्बर्ड यू ए लॉट, मुझे अभी तक याद है, ही रिमेम्बर्ड यू ए लॉट, उसे अभी तक बहुत सारा याद है, ही इज नॉट शॉर्ट मैन विथ नैरोज आइज, ही इज ए शॉर्ट मैन, वो नाटा आदमी है नैरो आइज के साथ में, यू शुड मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, है ना, तो उसके किसी पर्सन के बारे में बनूंगा, इसमें पर्सन के बारे में है नहीं, तो इसका पर्सन, ही इज शॉर्ट मैन, छोटा आदमी है नैरोज आइज के साथ में, है तो पर्सन के बारे में हमने क्या किया इसमें डिस्क्राइब किया है जी, ठीक है, ये आपका इसमें का होमवर्क है 17 नंबर, साइज 17, ठीक है, ये भी आपका है, फिर आपको डिस्क्राइबिंग एक्शन, एक्शन के विषय में बताना है आपको, कोई कार्य कर रहे हैं उसमें कैसे कार्य करेंगे, डिस्क्राइबिंग एक्शन, एक्शन मतलब किस चीज के बारे में वर्णन करना, एक्शन दिखाना, है ना, इसमें क्या जनरली होगा, इसके अंदर पैसिव, जो भी वाक्य होंगे वो पैसिव वॉइस में जनरली होंगे, इसमें होंगे आपको पैसिव वॉइस में जनरली वाक्य होंगे, कैसे होंगे, इज आर एम वाज वेयर पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बाई और सॉरी वी थ्री, प्रेजेंट पार्टिसिपल को वी थ्री बोलते हैं, बाई और करता होगा, आयुर्वेद करता होगा, आयुर्वेद मेडिसिन आर सोल्ड हेयर, और सेल भी लगा के बता रहे हो जी, तो ये साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक, एक साइंस फेयर हमारे विद्यालय में अगले सप्ताह आयोजित किया गया, अरे बस उनमें चल, अभी इधर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आर यू ओके, क्या तुम ओके हो, यस, आपको जवाब देना एक्शन कराया जी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तुम ओके हो, यस आई वॉज स्टन्ड बाई द न्यूज, स्टूंड मतलब हक्का वक्का रहना, आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, आई हैव सम टेंशन बिकॉज माई प्रोजेक्ट इज स्टिल इनकम्प्लीट, मैं टेंशन में हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट क्या हुआ, रुका हुआ, इनकम्प्लीट है, थैंक्स फॉर आस्किंग, धन्यवाद पूछने के लिए, अरे बस, तो आप क्या, कोई आदमी पूछेगा क्या हुआ बताओ, क्या तुम ठीक हो, तो कहोगे मैं कुछ भी, मैं ठीक नहीं हूँ, आप इसमें कहने का मतलब हो गया कोई घटना घट रही है, क्या हुआ तुम ठीक हो, तो यह जवाब दें क्या, यस आई एम स्ट्यून्ड बाय द न्यूज, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यस आई वाज स्ट्यून्ड बाय द न्यूज, मैं न्यूज से क्या हूँ, स्ट्यून्ड हो गया हूँ, ठीक है, अभी क्या है जी, रितेश योर कार इज वेरी ओल्ड, आपका कार बहुत पुराना है यार, वाई डोंट यू सेंड इट ए गार्बेज, सेंड इट गार्बेज मतलब, गार्बेज मतलब जहाँ पर मरम्मत करते हैं, है ना, या उसे कचरा में होते हैं गार्बेज वाला जो उसमें बेच देते हैं, उसे तुम वहाँ क्यों नहीं भेज देते हो, यस आई गार्बेज मतलब सॉरी गारेज है, गारेज गैरेज में क्यों नहीं भेज देते हो जी, यस आई नो इट, तो गैरेज में क्यों जाते हैं, रिपेयर करने के लिए जाते हैं कोई चीज़, तो इट विल रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक, इट विल बी रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह क्या हुआ, रिपेयर हुआ जी, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या, गौरी यू सीम वेरी मच हैप्पी, यू सीम्स वेरी मच हैप्पी, तुम बहुत खुश दिख रही हो, माधवी माई न्यू प्रोजेक्ट, मेरा नया प्रोजेक्ट क्या हुआ है जी, खुश क्यों होगा, नया प्रोजेक्ट, इट इज रियली ग्रेट न्यूज, इट्स रियली ग्रेट न्यूज, ये नहीं हो सकता है जी, आई एम नॉट हैप्पी,
मैं खुश नहीं हूँ, जब हैप्पी है तो खुश नहीं कैसे होगा। अब माई न्यू प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, मेरा नया प्रोजेक्ट क्या हो गया, अप्रूव हो गया, इसलिए क्या है, बहुत खुश है। अरे बात समझ, ये आपका होमवर्क है, आपको 18 नंबर सात एक्सरसाइज, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डिस्क्राइब प्रोसेस। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, किसी प्रोसेस के बारे में वर्णन करो। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस मतलब किसी प्रोसेस के बारे में, जैसे चाय बनाते हो, चाय कैसे बनाते हो, एक एक कप पानी लेते हो, उसमें गैस पर चढ़ाते हो, उसको चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, खौलाते हो, तब चाय बनता है। ऐसे ही कोई एक प्रोसेस का वर्णन करना है यहाँ पर, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया। या देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेलेक्ट राइट करेक्ट रिस्पॉन्ड। करीना, हाउ डज दिस टॉय स्टार्ट, ये खिलौना कैसे स्टार्ट हुआ जी, क्या बोलेंगे, इसमें चाबी भरे, ये किए वो किए, तभी स्टार्ट हुआ ना। तो इट स्टार्ट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, तो ये तो कोई प्रोसेस नहीं हुआ जी, अपने आप शुरू हुआ, कोई प्रोसेस नहीं हुआ ना। इट विल नाइदर स्टार्ट नॉर रन, ये ना दौड़ रहा है ना रुक रहा है, स्टार्ट हो रहा है ना दौड़ रहा है, ये भी नहीं। हाउ कैन आई से इट, मैं इसे कैसे कह सकता हूँ। लुक एट द बैक, लुक एट द बैक, पीछे देखो साइड एंड टर्न द पावर बटन, ये प्रोसेस है कि नहीं, पीछे देखो और टर्न पावर बटन को दबाओ, ये ना जी पावर बटन को दबाओ, अब देख प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, कि पीछे मुड़ो, ये प्रोसेस हुआ, उसको बटन को दबाओ। अरे बात समझ में, तो क्या हो गया आपको, ये प्रोसेस हुआ एक तरह का, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कैन यू टेल मी हाउ आई कैन मेक ए स्वीट रोल ऑफ ए रोटी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हाउ कैन आई मेक, मैं कैसे बना सकता हूँ ए स्वीट रोल ऑफ ए रोटी, रोटी का एक स्वीट रोल कैसे बना सकते हैं जी। इट इज वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है। आरिबास में कैसे आसान है, प्रोसेस बताना आपको कि रोटी बनाना कैसे आसान है, इसके विषय में आपको डिक्लेयर करना है। तो टेक ए रोटी एंड अप्लाई घी ऑन इट, करा है कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो हाउ कैन आई मेक ए स्वीट रोल ऑफ ए रोटी। तो करा है जी, टेक ए रोटी एंड अप्लाई घी ऑन इट, एक रोटी लो उस पर घी अप्लाई करो, बस सिंपल ही होगा भाई, इस पर रोटी ले लो उस पर घी अप्लाई कर दो, बस अच्छा बन जाएगा। थर्ड बोल रहा है, आई वंडर हाउ दिस सेल फोन ओपन, आई वंडर हाउ दिस सेल फोन ओपन, मुझे आश्चर्य है, वंडर मिस आश्चर्य थोड़ा आश्चर्य होना कि सेल फोन कैसे खुलेगा, तब प्रोसेस बताओगे ना क्या करेंगे। आई कैन टीच यू फ्यू सेकंड, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो प्रोसेस कहाँ हुआ, उस सेकंड में तुम्हें पढ़ाऊंगा, प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, उसमें मोबाइल को लेंगे, ढक्कन के पीछे कवर खोलेंगे, फिर उसका सेल फोन निकालेंगे, एक प्रोसेस होता है। तो रिमूव बैक कवर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये एक प्रोसेस है। अरे बात समझ में, ठीक है, अभी एक्सरसाइज है आप करने के लिए। फिर डिस्क्राइबिंग, नेक्स्ट है टॉपिक क्या है आपको, डिस्क्राइबिंग पर्सन एंड प्लेस, क्या आपको डिस्क्राइबिंग पर्सन एंड प्लेस। तो डिस्क्राइबिंग पर्सन और प्लेस में जनरली क्या है आपको, उसके विषय में समझते हैं। डिस्क्राइबिंग मैंने वर्णन करना, पर्सन मैंने किसी व्यक्ति का, प्लेस मतलब कोई स्थान का, यानी कोई भी स्थान का, व्यक्ति का और स्थान का वर्णन करना है। तो कैसे, हु मैने क्या होता है, कौन, तो कर्ता के लिए यूज करते हैं, इसके विषय मनुष्य के लिए यूज करते हैं। हुम मैने कौन है, कर्म के लिए, तो भी मनुष्य के लिए यूज करते हैं। हुज मैंने किसका, ये पेन किसका, हु इज दिस पेन, आरी बात सुन, हु इज दिस पेन, ये पेन किसका है, आरी बात सुन में। तो हम संबंध के लिए यहाँ पर यूज किया जी, विच, ये इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो जी। तो पशु पक्षु, उसके लिए भी जनरली हम यूज करते हैं विच का यूज करते हैं। अरे बात समझ में, समझ रहे हो। चलिए, हु इज भार्गव, भार्गव कौन है, तो भार्गव इज माय पार्टनर, भार्गव क्या हो, मेरा पार्टनर है। अरे बात समझ में, तो चलिए भाई इसमें क्या जान लिया आपको भाई, हाँ तो पढ़िए, सो ही इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, नहीं होगा। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, नहीं। Who is always careful? वो हमेशा क्या है जी, केयरफुल है।
है ना, हु का यूज किया है कि नहीं किया, इसमें हु हुम हुज विच इन सभी का जनरली यूज किया जाएगा, तो हु का यूज किया गया इसलिए क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद है कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी जीतू भाई प्लाविया, कैन यू उसके बारे में बता सकते हो मुझे, जीतू भाई इज ए इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब पर्यावरण विशिष्ट उसको बोलते हैं, पर्यावरण के बारे में जानने वाला, ही इज लिविंग अमरेली, नहीं, आई नो ऑल थिंग, नहीं, ये भी नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा, हु वर्क्स एंड कंसर्न फॉर द नेचर, वो किसने काम करते हैं जी, नेचर के लिए काम करते हैं, ही लिव्स इन अमरेली तो नहीं हो नहीं सकता है जी, पूछ रहा है तुमको जानते हो, तो थोड़ी कहेंगे वो रहता है कहाँ रहता है, सब थोड़ी बोलेंगे, वो क्या है इसके उसके विषय में बताना था, तो वो क्या है, वो जीतू भाई जो है इन्वायरमेंटलिस्ट है, तो करता क्या है जी, ही वर्क्स कंसर्न एंड नेचर, वो नेचर के विषय में कार्य करता है। एक्सरसाइज है आपको करना है, ठीक है, ठीक है। अभी टॉकिंग अबाउट टाइम, क्या है टॉकिंग अबाउट टाइम के विषय में आपको वर्णन करना, लास्ट है ये टाइम के विषय में है, इसमें क्या आपको होगा, जस्ट मिस हमेशा, जस्ट में तुरंत, ऑलरेडी मैंने पहले से ही, एट मैंने अभी तक, हजी सुधी मतलब अभी तक, एवर नेवर कभी नहीं, सिंस मतलब कितने टाइम से वो आ रहा है, वो फॉर मैंने के लिए, इसमें क्या करते हैं हम कर्ता लगाते हैं ना, कर्ता होता है, हैव हैज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसको बोलते हैं V3, कर्म होता है और अन्य शब्द होता है, ठीक है। इसमें हम जनरली अगर एट लगा रहे हैं उसमें फॉर सिंस वाक में समर्थक हम करते हैं। चलिए देखते हैं बाई एग्जाम्पल, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर लंच, तुमने करा है, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर लंच, लंच होना चाहिए, मम्मी तुमने लंच में क्या प्रिपेयर किया है, मम्मी तो आई क्या प्रिपेयर किया उसके बारे में बताओगे, बताओगे ना क्या प्रिपेयर किया है, तो व्हाट डू यू वांट टू ईट बेटा, तुम क्या, अच्छा पूछिए तुम क्या खाना चाहते हो बेटा, प्रिपेयर कर दिया तो थोड़ी पूछिए, अरे प्रिपेयर करने से पहले हैव लगा हुआ है मतलब कर दिया, कर चुका है, अरे बात समझे, तो ये थोड़ी बताओगे कि भाई क्या प्रिपेयर पूछेंगे, तो गलत हो गया भाई, अगर पहले होता तो पूछते भी, लेकिन ऐसे पहले है ही नहीं, अरे बात समझे, आई हैव प्रिपेयर्ड छोले भटूरे, तो ये सही है भाई, छोले भटूरे हमने प्रिपेयर किया है, अरे बात समझे। फिर दूसरा, व्हाई इज योर सर्वेंट रामू काका इज नॉट सीन, तो आपके जो नौकर है रामू काका वो क्यों नहीं दिख रहे हैं जी, तो मयंक बोलता है ही, तो कहीं गए होंगे तभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो डू यू हैव एनीथिंग, नहीं, ही हैज गॉन नेटिव प्लेस, वो कहाँ गए हैं जी, अपने नेटिव प्लेस पे गए हुए हैं। फिर है भाई, डू यू नो वी हैव टू सबमिट आवर असाइनमेंट बाय टुमारो, क्या तुम जानते हो हमें अपना असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा कल, है ना, तो क्या इसमें हो जाएगा जी, आई हैव डन इट एनीथिंग, अब कल करना है तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सरसाइज है कैसे इसे आपको करना है, आपको होमवर्क के रूप में। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जितना भी आप पढ़े, आ रही बात समझ में, जितना भी पढ़े आप पूरा सब बिल्कुल अलग अलग पढ़े, अभी हम मुख्य रूप से जो हमारा एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज के विषय में अच्छे से देखेंगे कि कैसे अब आपके जो एग्जाम है, एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके विषय में हम अच्छे से डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे, ओके।